बैटरी होगा तो गोप्रो का, गोप्रो का बैटरी, गोप्रो का बैटरी होगा तो अब कितना मिलेगा? कौन सा? हीरो 9 का। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। बहुत दिनों के बाद मैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे आया हूँ और मुझे एक छोटा सा राइड करना था, तो इस वजह से मुझे मेरा जो हेलमेट का जो सेटअप है, गोप्रो का और माइक का सेटअप सही से चेक करना था, तो इसलिए मैं हेलमेट में सेटअप पूरी तरह से मैं लगा चुका हूँ जो माइक का सेटअप है। और इसका ऑडियो क्वालिटी और फुटेज कैसा आ रहा है उसको एडिट करने के बाद ही पता चली जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ बागोवटी फ्लाईओवर के ऊपर और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेट्रोगोली। वहाँ से 2-3 सामान मुझे लेना है क्योंकि वो ज़रूरत है मुझे। और मैं तो घर से निकल चुका हूँ और आप लोगों को इंट्रो देना भूल ही गया हूँ। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। हाय गाइस, मैं उदीप, आपका होस्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTR मोटो ट्रांसफॉर्म राइडर में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे निकलना था सुबह को, पर सुबह का वेदर अच्छा था इसलिए मैं सोचा सुबह को निकल जाऊँ। सुबह को निकलने वाला था तभी देखा इतना धूप था, तो इसलिए मैं निकल नहीं पाया। तो अभी फ़िलहाल घड़ी में बज रहा है 4:15, तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ बागोवटी फ्लाईओवर में। तो अभी जा रहा हूँ, मैं उल्टोरंगा से ही जाऊंगा क्योंकि दूसरा रास्ता है जो माँ फ्लाईओवर होके पार्क सर्कस होके वो भी जा सकते हैं, पर कोशिश करूंगा आने के टाइम उस साइड से आने को, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है शॉर्ट पड़ता है पर बहुत ही जाम, ट्रैफिक जाम बहुत ही रहता है। बाइक का जो स्पीड है 72-74 ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है वो भी मुझे चेक करना है क्योंकि विंड ब्लास्ट तो मेरे तो लग रहा है, ब्रिज के ऊपर हूँ तो इसलिए विंड ब्लास्ट तो ज़्यादा ही लगेगा नीचे से, तो देखना पड़ेगा ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, तो नॉइस कैंसिल कितना अच्छा हो रहा है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका EM बाईपास स्टार्ट हो जाएगा 3.7 किलोमीटर, उल्टोरंगा है 3.2, लेक टाउन है आपका 1.7। सामने सिग्नल अभी ग्रीन है तो चलते हैं, नहीं तो अभी गिर जाएगा। तो अभी फिलहाल धूप तो है यहाँ पे, बाइक चला रहा हूँ तो इसलिए गर्मी ज़्यादा नहीं लग रहा है, जब रुकूंगा ना तभी गर्मी ज़्यादा लगेगा। समर का सीजन में तो गर्मी तो ज़्यादा ही गिरता रहता है। कोलकाता में शायद इधर सूरज देवता ज़्यादा ही मेहरबान है। ऊपर है मेरे सामने सूरज देवता और अभी मैं जो दमदम पार्क है उसको क्रॉस कर लिया हूँ। कल का ही राइड होने वाला है जो मैं जाने वाला हूँ, तो राइड में क्या क्या होने वाला है आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लॉग को अच्छे से देखते रहे, पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब का जो छोटा सा फैमिली है उसको बड़ा करना है, जो क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। और ये रहा आपका छोटा सा क्लॉक टावर, ठीक है, जो मैं बोल रहा था YouTube का जो फैमिली है उसमें आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये जो MTR मोटो ट्रांसफॉर्म राइडर ये जो चैनल है एक फैमिली है जो बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट तो ज़रूर चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हूँ। ब्लॉग देखिए, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छा अच्छा कॉमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट, लाइक, व्यूज से मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं बना पाऊंगा। तो देखते देखते ही मैं उल्टोरंगा में पहुंच चुका हूं। सामने है उल्टोरंगा ब्रिज, तो यहां से ही कितना और आधा घंटा ऐसे कुछ लगेगा क्योंकि यहां पे बहुत सारा सिग्नल है, ट्रैफिक जाम तो लगता ही है। मेरा जो कॉलेज था जयपुरिया कॉलेज, तो वहां पे आता था, बस में आता था, उसके बाद लास्ट में लास्ट ईयर को मुझे बाइक मिला था जो है 180, पापा ने दिलाया था मेरे बर्थडे पे। उसका स्टोरी कुछ अलग था, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा बाद में, ठीक है। फिलहाल चलते आपका मेट्रोगोली तक और देखूंगा वहाँ पे, वहाँ से आपका वेलिंगटन जा सकूंगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि दुकान में फ़ोन किया था तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो फिर से मुझे घूम के देखना पड़ेगा।
बहुत सारा दुकान है वहाँ पे हेलमेट वगैरह का, तो एक पूरा सेटअप, एक दुकान पे जाऊँगा तो एक सेटअप का जो ब्लॉग बनाऊँगा मोटो ब्लॉग के लिए, जो जो सामान का ज़रूरत पड़ता है, तो आप लोगों के लिए कौन कौन देखना चाहता है ज़रूर कमेंट करके बताना इस ब्लॉग में, ठीक है। और ए रहा उल्टरंगा, और मेरा जो कॉलेज चला जाता है दाएं तरफ, इधर से हार्डली आपका 20 या 25 मिनट लगेगा, तो फिलहाल मुझे सीधा जाना है। देखो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, इतना गाट करके आपको जाना है राइट साइड, तो क्यों बाएं तरफ मोड़ के आप लोग खड़ा रहते हो, पता नहीं, इन लोगों का आदत ही कुछ ऐसा होता है। देखो मुझे जाना था राइट साइड, तो मैं राइट साइड लेन का पकड़ूंगा ना, तो तुम ऐसे बाएं साइड से जाओगे, लेफ्ट साइड से तुम जाओगे, मैं सोचूंगा तुम सीधे ही जाओगे, तो इसलिए मैं उसके साथ साथ ही चल रहा था। उसको तो राइट साइड जाना है बिना इंडिकेटर देके। ऐसा बहुत सारा आपका ऑटो वगैरह बस वगैरह ज़्यादा मिल ही जाएगा, हर सिटी में ऐसा होता रहता है, और सामने आपका स्पीडोमीटर। तो अभी फिलहाल मैं सियालदा पहुँच चुका हूँ, रेलवे का ट्रैक आप देख सकते हैं बाएं तरफ दाएं तरफ, तो ये रहा आपका सियालदा स्टेशन। यहाँ पे लोकल वगैरह एक्सप्रेस वगैरह सब कुछ इधर से चलता है, तो इधर से अभी डिस्टेंस मेरा मेट्रोगोली का है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट का दूरी पे है। और मैं क्यों जा रहा हूँ आप लोगों को तो बोला ही नहीं, मेरा जो GoPro का जो बैटरी था ना, दो बैटरी था पहले मैं लिया था, दो बैटरी, तो उसमें से एक बैटरी ना फूल गया है, क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ, तो शायद इस वजह से फूल चुका है, तो इसलिए एक बैटरी से मैं काम चला रहा हूँ। एक बैटरी से तो ट्रैवल किया नहीं जाएगा राइट, तो इसलिए मुझे बैटरी लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ मेट्रोगोली। तो वहाँ पे देखूँगा जो पुराना वाला ब्लू कलर का जो बैटरी है, तो बैटरी अवेलेबल है क्या मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो जो नया बैटरी निकला है एंड्योर्स बोल के उसको लेना पड़ेगा, शायद उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे का आपका सारा मतलब बीच वगैरह सब कुछ इधर मिल जाएगा, यहाँ पे रोज़ बहुत सारा पेड़ पौधों का दुकान लगा हुआ है, अभी यहाँ पे आके भी खरीद सकोगे। और यहाँ से आपका सियालदा का गेट स्टार्ट हो जाता है रेलवे का, यहाँ पे भी क्लॉक टावर बना दिया है, अभी यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, सिग्नल छोड़ जाएगा पर यहाँ से ही थोड़ा डिस्टेंस है जो ना ट्रैफिक ज़्यादा गिरता है। 4, 3, 2, 1 गो। चलो मामा ने सिग्नल दे दिया, अभी मैं जा सकूँगा। देखा 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 कितना ट्रैफिक जाम लगता है सियालदा में। चलो इस ट्रैफिक जाम को क्लियर करके आप लोगों से बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ प्लानेट की तरफ, तो यहाँ से इस वाला जो रोड है क्रॉस करने के बाद ही जो मेट्रो का गेट है वहाँ से मैं घुस जाऊँगा मेट्रोगोली। मेरा आपका मेट्रो का गेट, अभी मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। जब कभी मेट्रोगोली आओ ना तब आपका जेब खाली हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं बड़ा गाड़ी लेके आ नहीं पाता हूँ, यहाँ पे इतना कॉन्जेस्टेड रोड रहता है, हर जगह काम ही काम रहता है। यहाँ पे सेकेंड हैंड कैमरा लेंस सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। चलो प्रोफेशनल आ चुका है, तो यहाँ पे बाइक खड़ा करना पड़ेगा, तो बड़ा गाड़ी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत होता है, तो इसलिए देखते यहाँ पे पार्क में लगाता हूँ, जाके देखते बैटरी है क्या। बैटरी होगा तो GoPro का, GoPro का बैटरी, GoPro का बैटरी होगा तो आप कितना में जाएंगे, कौन सा हीरो 9 का? नहीं नहीं दो बैटरी का साथ था ना, हाँ हाँ। और इसका क्या प्राइस है? कस्टम भी ऐसे भाग गया है। अरे मैं नहीं भागूंगा, पुराना कस्टमर हूँ, ठीक है। हाँ इसका रेनोवेट कब हुआ?
पाँच साल से पहले हुआ था। अच्छा, उसका क्या प्राइस है? दो बैटरी का 3600। 600 बोला था मुझे। 600 ही बोला था फोन पे, फोन किया था तो 600 ही बोला था। पूरा कर दो, 3600 बोला था। जल्दी कितना पानी आ रहा है। सोनी का वो ZV-E10 क्या अभी अवेलेबल है? क्या प्राइस किया है? बॉडी 60,000 के। उसमें क्या क्या आएगा आपका? बैटरी और $1,450। पूरा पूरा नहीं होगा, पूरा कर दो, एक दे दो और उसके साथ वो बैटरी दे दो। जल्दी दे दो ना। हाँ, तो जल्दी और ये कर दो। मेमोरी कार्ड है? हाँ, मेमोरी कार्ड 128 दे दीजिए। मंजूर है? मैं A few moments later। तो अभी फिलहाल मैं न्यूटाउन आके पहुँचा हूँ, क्योंकि GoPro ऑन नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया था। तो अभी मुझे फ्यूल अप करना है। फ्यूल है अभी भी, तो फिर भी मुझे फ्यूल अप करना है क्योंकि जो आप लोगों के साथ बात कर रहा था ना, मुझे एक छोटा सा लॉन्ग राइड पे जाना है जो फाइनल हो चुका है। मैं कल ही निकल जाऊंगा। फ्यूल अप पे तो बहुत लाइन लगाना पड़ेगा। फुल कर दो, नॉर्मल दो। नॉर्मल फुल। चलो तो मेरा फ्यूल अब कंप्लीट हो चुका है, फुल टैंक ही कर लिया हूँ। अभी तो मेरा बाइक का पेट भर चुका है। 802 रुपए का फ्यूल खा लिया है मेरा बाइक, उसको भूख लगा था बहुत जोर से। अभी घड़ी में बज रहा है 7। मैं दोपहर को निकला था क्योंकि बारिश के वजह से मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। अभी फ़िलहाल मैं न्यूटाउन में हूँ जहाँ पे आपका एक्सिस मॉल है, तो यहाँ से मुझे दी कैथलॉन जाना है, कुछ सामान वगैरह खरीदना है। इस वजह से फुल टैंकी करने के बाद मेरा जो फ्यूल रेंज दिखा रहा है 410 किलोमीटर तक चलेगा। और अभी सिटी के अंदर मुझे माइलेज मिल रहा है 29 या 30, अभी तो फ़िलहाल 29 दिखा रहा है। और मेरे सामने है खूबसूरत सा विश्व बांग्ला गेट जो है आपका न्यूटन का दिल बोल सकते हो। एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट करता हूँ आपका विश्व बांग्ला गेट। ओए हुए, लाइटिंग देखा कितना जोर से गिरा बारिश के वजह से, इतना खूबसूरत का लाइटिंग आप लोगों को देखने को मिला है। चलिए बाकी बातें दी कैथलॉन मतलब जाके ही करते क्योंकि कितना सारा अभी भी ट्रैफिक जाम आगे मिल जाएगा। तो चलिए आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैं खरीदता हूँ दी कैथलॉन से। हाय गाइस, मैं अभी घर आ चुका हूँ। दी कैथलॉन में गया था, एक ही सामान लेना था, इस वजह से मैं ब्लॉग वहाँ पे बनाया नहीं। मैं क्या सामान लिया हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ वहाँ से एक रेन लाइनर लिया हूँ क्योंकि मैंने रेल लाइनर ख़रीदा नहीं था इस वजह से, तो रेल लाइनर लिया हूँ। मैं मेट्रो गली गया था, वहाँ से मैं जो एंड्योरो बैटरी लिया हूँ तो इसका प्राइस गिरा है 3650 रुपये, ठीक है, और कुछ लिया नहीं। और मुझे बहुत कुछ पूछना था, बारिश वगैरह सब आ गया, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी निकालना पड़ा। और बस लोगों से मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप इतने तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छे लगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जरूर से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब कोई मेरे चैनल पे वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एज ऑलवेज दिस इज दी साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड कीप चेज योर ड्रीम।